आज हम अपने चैप्टर नंबर 8 का ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको अपनी जगह पे हम पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस, सबसे पहले वी नीड टू नो कि व्हाट इज अ रिएक्शन। एनीथिंग, एनी प्रोसेस इन विच देयर इज अ केमिकल चेंज। Any process where there is a chemical change is called a reaction। हर वो process जिसके अंदर किसी न किसी किस्म का chemical change आ रहा है, वो जो होगा reaction कहलाएगा, chemical reaction कहलाएगा। अब reaction की टाइप्स क्या हो सकती हैं? रिएक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस। नाम से पता चल रहा है, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जो कि उल्टी उल्टा जो है उनको उल्टाया ना जा सकता हो। एंड अदर टाइप विल बी दी ऑपोजिट ऑफ इरिवर्सिबल, जो कि होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जिनको हमने आज के टॉपिक में अपने कवर करना है। नॉर्मली जो होता है आपके पास रिएक्शन, दैट कैन बी इन टू डायरेक्शंस। नंबर वन इज अ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड नंबर टू इज द बैकवर्ड डायरेक्शन, के या आपका रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है या आपका रिएक्शन बैक की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। तो अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट टाइप की तरफ, जो कि क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस की टाइप है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस, सपोज करें कि आपके पास, आई एम राइटिंग अ रिएक्शन, सोडियम 2 प्लस 2H2O लिक्विड, दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म 2NaOH एक्वस सॉल्यूशन प्लस H2 गैस। दिस इज़ अ रिएक्शन जिसके अंदर सोडियम के दो मोल्स जो उनसे हैं, वाटर के दो मोल से मिलते हैं और एक हाइड्रोजन का गैस का मॉलिक्यूल बनता है और एक मोल आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बन जाती है। इस केस के अंदर द टेंडेंसी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज वेरी लो, टेंडेंसी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इज वेरी स्मॉल, इतनी स्मॉल है कि इट इज़ नेग्लिजिबल, हम उसको मेंशन ही नहीं करते। अब बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है कि सोडियम और वाटर मिलके तो ये दोनों बना रहे हैं, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का मिलके इस डायरेक्शन में इन दोनों को बनाना नेग्लिजिबल है। बहुत कम चांसेस हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन वापस रिएक्ट करके आपस में वाटर और सोडियम बना दें। अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है, तो हम इसको कहते हैं कि ये वापस नहीं आता, इट इज़ ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट इज़ वाई, दैट इज़ वाई वी कॉल दिस रिएक्शन इरिवर्सिबल, कि ये उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं करता। तो दिस रिएक्शन इज़ द टाइप ऑफ एन इरिवर्सिबल जो सा है रिएक्शन, इसको हम कहलाएंगे। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर की। वाटर कैसे बनता है, 2H2 प्लस O2, दिस इज गैस, दिस इज गैस
एंड दे फॉर्म 2H2O ऑफ लिक्विड। अब होता क्या है इस रिएक्शन में कि आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर हम इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं और इलेक्ट्रिक स्पार्क की मौजूदगी में ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं और आपके पास जो है वाटर बन जाता है। अब वो कहता है कि अगर आपके पास ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल क्वांटिटी में मौजूद हैं और आप इनको रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास सारा का सारा वाटर बनेगा, ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि दिस इज़ एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब वो कहता है जी कि ये काम तो हुआ सारा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को जो है 1500 डिग्री C के ऊपर करवाऊंगा तो फिर क्या होगा, कुछ वाटर जो है वो टूट के वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आना शुरू हो जाएगा और उस केस में ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन चूंकि हमने इसको नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे करवाया है और इसको रिवर्स मूव करवाने के लिए 1500 डिग्री चाहिए होता है जो हमने नहीं दिया, इस वजह से ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की वजह से हम कहते हैं कि दिस रिएक्शन इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन, कि इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड अंडर दीज कंडीशंस। हाँ, अगर हम कंडीशंस को चेंज कर दें, 1500 डिग्री कर दें, तो फिर ये इट माइट गेट रिवर्स्ड। तो दिस वॉज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल जो है वो रिएक्शन। अब पता हमें क्या चला कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो उनसे होते हैं दे आर यूनिडायरेक्शनल, कि उनकी एक डायरेक्शन होती है, दे डू नॉट गो इन टू डायरेक्शंस। तो यहाँ पे आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए। गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर टॉपिक जो कि है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन अब इरिवर्सिबल का ऑपोजिट होगा, वो रिएक्शन जो कि एक ही वक्त में वापस डायरेक्शन में भी आ सकता हो, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी एग्जांपल है कि अगर आपके पास नाइट्रोजन हो, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ जो है ये रिएक्ट करे तो ये बनाएगी आपके पास टू NH3, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बनाएगी। और इसकी जो कंडीशंस होती हैं दैट इज़ 450 डिग्री C इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है जो आपके रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, उसको तेज़ कर देता है। N2+3H2 मिलते हैं और आपके पास अमोनिया गैस जो है वो बन जाती है। बट इसके अंदर होता क्या है कि किसी भी टाइम के अंदर अगर आप अपने सिस्टम को चेक करें जिसमें ये रिएक्शन हो रहा है, उसमें N2 भी मौजूद होगी, हाइड्रोजन भी मौजूद होगी और NH3 भी मौजूद होगी। उसकी वजह ये है कि NH3 का कुछ हिस्सा इस डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट होता रहता है। तो जब भी आप रिएक्शन मिक्सचर को देखेंगे आप इन तीनों स्पीशीज़ को जो है उसमें मौजूद पाएंगे, क्योंकि एक ख़ास क्वांटिटी अमोनिया की टूट रही होती है वापस अपने रिएक्शन के अंदर, वापस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर। कंडीशन जब ये वाली आप देंगे तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होगा, आपके पास दोनों डायरेक्शंस में मूव करेगा। तो यहाँ से पता चला कि रिवर्सिबल रिएक्शंस जो से थे, रिवर्सिबल रिएक्शंस दे आर टू डायरेक्शनल, वो फॉरवर्ड भी मूव करते हैं एंड बैकवर्ड भी मूव करते हैं।
जो आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस थे उनको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनको हम इस तरह मूव करते हैं कि ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड भी मूव कर रहे हैं, एंड दे आर मूविंग बैकवर्ड्स एज वेल। तो दिस इज हाउ यू हैव नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल जो कि यूनिडायरेक्शनल, एंड रिवर्सिबल विच आर टू डायरेक्शनल। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम आगे लेके चलेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक था जिसमें आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। नेक्स्ट टाइम हम केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर आएंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा। हमारा जो पूरा चैप्टर है वो मेनली जो है इस रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर घूमेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में ही अचीव होता है। वन डायरेक्शनल के अंदर तो सारी की सारी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट होगा तो हम इस चैप्टर को आगे लेके चल सकेंगे।